हाय एवरीवन, तो मैं हूं नौशाद फ्रॉम वन रूफ आर्किटेक्ट्स। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जब हम क्लासिक एलिमेंट की डिजाइन करते हैं, क्लासिक या तो हम एक्सटीरियर बनाएं या क्लासिक थीम में हम इंटीरियर्स को बनाएं, तो हमें बेसिकली जो है मोल्डिंग की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हम उसी मोल्डिंग को बनाना सीखने वाले हैं विदाउट एनी प्लगइन, बिना किसी प्लगइन की हेल्प से। हम डायरेक्टली जो स्केचअप के हमारे डिफॉल्ट टूल्स होते हैं उसके थ्रू हम बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बना रखा है ये क्लासिक विला, इसका मैंने शायद एनिमेशन वीडियो भी अपने चैनल पर डाल रखा है। ये देखिए, यहां से ये जो मोल्डिंग दिख रही है ये हमने कैसे बनाना है, बहुत इजी और बहुत क्विक है। इसका हम एक्सटीरियर का जो मैंने बनाया रखा है इसका मैं आपको रेंडर भी दिखाता हूँ, इसमें मोल्डिंग कितनी आसानी से बनी और कितनी अच्छी विजिबल हो रही है रेंडर में, वो भी देखते हैं। देखिए, ये मैंने जो सीन को क्रिएट कर रखा है फोटोशॉप से, मैंने इसका पोस्ट प्रोडक्शन किया है और रेंडर मैंने इसका एंडस्केप के थ्रू लिया है। क्लैरिटी देख रहे हैं आप, ये इसकी क्लैरिटी एलिमेंट्स की देखिए, बिल्कुल बारीक से बारीक मोल्डिंग हमें यहाँ पे विजिबल हो रही है। बारीक बारीक मोल्डिंग वगैरह जो भी है, हमारा एलिमेंट्स है, जो कंपोनेंट्स हमने बनाए हैं, वो सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल्ड में हमें नजर आ रहा है। सो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें, मोल्डिंग कैसे बनाएंगे और जो कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमने 3D वेयरहाउस से उठा रखे हैं इसमें, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मोल्डिंग को कैसे बनाना है, जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है मोल्डिंग का। आइए देखते हैं, यहाँ पर मेरा स्केचअप ऑन है, मैं इसी मॉडल में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जैसे मुझे कहीं पे मोल्डिंग बनानी है, चले ये जो वाली ये जो फर्स्ट वाली मोल्डिंग है ये इस तरफ में, मैं इस वाली मोल्डिंग को डिलीट करके नई मोल्डिंग बनाता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया है, जो उसमें मैंने पैरापेट वॉल बना रखी थी उसे मैंने डिलीट कर दिया है। यहां पर मैं पैरापेट वॉल बना लेता हूं इसकी, देखें जब भी कभी आप स्केचअप में काम करते हैं तो याद रखिए, मेक श्योर करें कि हमेशा आप ग्रुप और कंपोनेंट के थ्रू ही काम करें। यहां पर मैंने मेक ग्रुप कर लिया है, इसको मैं हाइट दे देता हूं और यहां मैं अभी फिलहाल आपको बताने के लिए इतना ही करता हूं। अब यहां पे मैं ग्रुप को लेफ्ट करूंगा, ग्रुप के बाहर आ जाऊंगा। अब देखिए, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा बनाना, जैसा कि यहां पर मोल्डिंग बनी हुई है आप देख रहे हैं, तो इसको कैसे बनाना है हमें, है ना, इसकी थिकनेस वगैरह क्या कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। यहां से मैंने लाइन टूल लिया है, मैं एक्सिस लॉक नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं रेड डायरेक्शन में, रेड एक्सिस की डायरेक्शन में वो मैं 6 इंचेस का थिकनेस दे देता हूँ। एंड यहाँ से मैं क्या करता हूँ, उसको डाउन मुझे कितना देना है, यहाँ पे भी मैं 5 इंचेस के अराउंड रखता हूँ। तो ये मैंने फेस को क्रिएट कर दिया, हो गया हमारा फेस क्रिएट। अब देखना, यहाँ पर इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, मेक ग्रुप करूंगा, सही है, इस ग्रुप के अंदर चले जाऊंगा। अब मैं पर्टिकुलर इसी ग्रुप में काम करूंगा, यहां से अब मैं स्टार्ट करता हूं बनाना। सबसे पहले मैं यहां पे 2 इंच की थिकनेस दे रहा हूं, ये 2 इंच, सॉरी ये हमारा 2 इंच ये है, ठीक है। अब यहां से मैं 1 इंचेस, यहां से फिर मैंने 1 इंचेस दिया, ओके। अब यहां से मैं 1 इंचेस लेता हूं, 1 इंचेस, ये 1 इंचेस आ गया मेरा। अब यहां से मैं लेता हूं 1 इंचेस, यहां से 2, सॉरी इसको भी 1 करेंगे हम, 1 एंटर। अब मैं ए प्रेस करूंगा, ए फॉर आर्क, ये देखिए यहां से आप आर्क टूल, हमारा 2 पॉइंट आर्क एक्टिवेट हो चुका है। यहां से ये मैंने ये आर्क डाला। अब इस आर्क पे अगर मुझे और डिजाइन देने हो तो वो कैसे दूंगा, फिर मैं ए प्रेस करता हूं, यहां से आर्क, अब हमारा 2 पॉइंट आर्क लगा हुआ है, मैं यहां से डाइमेंशंस पकड़ लेता हूं और इसी पर मैं डाइमेंशंस डाल दिया है, ओके। अब देखिए, ये जो हमारा आर्क है ये यहाँ पे हम एंटिटी इन्फो में देखेंगे तो 2 सेगमेंट्स में, मैं इसे 8 सेगमेंट्स डालता हूँ, 8 जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, मैं इसे 5 सेगमेंट्स में डाल के देख लेता हूँ,
5 सेगमेंट्स, ठीक है, ये स्मूथ करने के लिए होते हैं सेगमेंट्स। यहाँ पर 2 है, मैं 5 प्रेस करके एंटर कर दूंगा। अब जो ये वाला लास्ट में हमने आर्क डाला, इसके 12 सेगमेंट्स हैं, मैं अराउंड 30 कर देता हूं तो ये थोड़ा स्मूथ दिखेगा। ये हो गया, ये हमने क्या बनाया, प्रोफाइल। अब जो ये अदर हिस्सा है, ये जो हमारा हिस्सा है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूं, मेक ग्रुप करता हूं, एडिट पे जाऊंगा, कट पे जाऊंगा और इस ग्रुप को लेफ्ट कर दूंगा। यहां से एडिट पे जाऊंगा, पेस्ट इन प्लेस, ये वापस से आ गया। अब मैं मूव टूल से इसको अलग रख देता हूं। अब देखिए ये जो हमारा ग्रुप है ना, इसे हमने सिलेक्ट करना है, एडिट पे जाऊंगा, कट पे चला गया, कट कर दिया मैंने इसे यहां से। अब मैं डबल क्लिक करके पैरापेट वाले ग्रुप में आऊंगा। अब यहां से एडिट पे आया मैं, पेस्ट इन प्लेस, पेस्ट इन प्लेस हो गया। अब मैं यहां से इसे एक्सप्लोड कर दूंगा, ये मैंने एक्सप्लोड कर दिया, ओके। अब ये जो लाइन है या जो फेस, जिस फेस में मुझे लेकर जाना है इसे, जिस भी फेस में मुझे लेकर जाना है, अब मुझे ये इस वाले फेस से इसके लास्ट एंड तक वाले फेस में ले जाना है। मैं यहां से और जो है इसको और थिकनेस देके पूरा एल शेप में कर देता हूं। अब देखना, ये एल शेप में मैंने कर दिया, इसको मैं अराउंड यहां तक के ले आता हूं। अब देखना मैं क्या करूंगा, इस वाले फेस को सिलेक्ट करूंगा और हमारे पास ये देखिए यहां पर टूल होता है फॉलो मी, ये जो है हम इसे पाथ देते हैं तो ये फॉलो करता है अलोंग पाथ। यहां से मैं फॉलो मी टूल का यूज करूंगा। अब देखो ये जो फेस है, ये फेस ऊपर वाला मैंने सिलेक्ट करके रखा है, सही है। अब यहां से मैं सिलेक्ट रह गई, ये सिलेक्ट रहना है ना, इसको मेक श्योर करना आप जो भी जिस भी पाथ में आपको लेकर जाना अपनी प्रोफाइल उसको सिलेक्ट करके रखेंगे आप। यहां से फॉलो मी पे क्लिक करता हूं और इस प्रोफाइल में क्लिक करूंगा। ये देखिए ये हमारी प्रोफाइल क्रिएट हुई। कैसे क्रिएट हुई एक बार और बताता हूं मैं आपको। यहां से मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं। अब देखो इस वाले पाथ को मैंने सिलेक्ट किया है, ये सिलेक्ट ही रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, फॉलो मी पे क्लिक करूंगा और ये जो मैंने प्रोफाइल बनाई है इस पर क्लिक कर दूंगा। क्विक बन जाएगा, एकदम क्विक है। ये देखिए यहां पर ये प्रोफाइल हमारी बन गई, आ गई बनके। एज जो है एज भी परफेक्टली बने हुए हैं ये। अब जब आप इसका रेंडर लोगे तो एंडस्केप में आप आउटलाइन की सेटिंग करोगे, और जिसको एंडस्केप में एक्सटीरियर की रेंडरिंग नहीं आती हो, मेरा प्रीवियस वीडियो उसको आप देख सकते हैं, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, तो उसके थ्रू आप आउटलाइंस और सारी चीजें सीख सकते हैं। और आगे मैं क्या करूंगा कि ये जो मैंने बनाया हुआ है विला क्लासिक थीम में दिया हुआ है, थोड़ा सा क्लासिक थीम है, तो इसका रेंडर जो है इसके इस पर भी मैं ट्यूटोरियल लाऊंगा, तो आगे हम उसको भी सीखेंगे। अब जो मैंने एक्स्ट्रा जो है, ये हमने एक्स्ट्रा प्रोफाइल जो है कटिंग ये अलग रखी है। अब देखिए इसका भी यूज मैं बताता हूँ आपको, ये भी बहुत ईजी है बनाना। अब इसके थ्रू भी हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। प्रोफाइल ऐसा है कि आप जो भी इसको शेप दोगे वो फॉलो मी के थ्रू फॉलो हो जाएगी, ओके। अब जैसे ये शेप है, इसको मैं अलग ले चलता हूं, ये मैं अलग ले आया इसे, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस पर डबल क्लिक करता हूं, एक लाइन इसके थ्रू मुझे जैसा भी शेप में चाहिए। अब मैं ये एल शेप, ये इसको मैं सी शेप में लेके आऊंगा, ओके। अब देखना ये क्या है, ये लाइन को सिलेक्ट किया मैंने, फिर इस लाइन को भी सिलेक्ट किया, इस लाइन को भी सिलेक्ट किया, तीनों लाइनें मेरे तीनों पाथ सिलेक्ट हो चुके हैं। अब यहां से फिर मैं फॉलो मी पे जाऊंगा एंड देन इस वाली प्रोफाइल पे सिंगल क्लिक कर दूंगा। ये देखो ये हमारी बन चुकी है। अब जो मैंने सेगमेंट्स डाले थे, जो मैंने आपको बताया था कि जो आर्क होता है उसको हमें स्मूथ करने के लिए ज्यादा सेगमेंट में डिवाइड करना पड़ता है, तो ये सेगमेंट की वजह से ये लाइनिंग आ रही है आपको। रेंडर में आपको ये लाइनिंग शो नहीं होगी, इसको मैं फिर से दिखा देता हूं आपको। अभी देखिए इसमें बहुत सारी लाइनिंग्स दिख रही है, बहुत सारे सेगमेंट्स दिख रहे हैं, ये कंट्रोल जेड मैंने करा है। अब यहां पे मैं इस आले आर्क पे जाऊंगा, सिलेक्ट नहीं हो रहा एक्चुअली ये, सेगमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो इसे हमने
जब हम डिवाइड करेंगे तभी हमने करना पड़ेगा, बाकी तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, या तो फिर इसे स्मूथ करना पड़ेगा। उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिंगल क्लिक किया, फॉलो मी कमांड पे गया, फॉलो मी हो गया हमारा, इसको पूरा ग्रुप को सेलेक्ट किया मैंने। यहाँ पे देखिए, आप जब एंटिटी इन्फो में लेके आएंगे, देखिए सॉफ्ट एंड कॉपलाइनर कर दिया मैंने, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये देखिए, ये स्मूथ दिखाई देने लगा आपको। कैसे हुआ ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे पूरे को मैंने कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर से बताता हूँ। ये हमने प्रोफाइल बना रखी है। अब इसमें स्मूथनेस चाहिए हमें, मटेरियल अप्लाई करने में आसानी होती है। अब देखो, इसमें जब मैं मटेरियल अप्लाई करूंगा, कोई सा भी मटेरियल अप्लाई करूंगा, अब यहाँ पे जाता हूँ, ये देखिए एक एक सेगमेंट सिलेक्ट हो रहे हैं। अब मुझे पूरे को सिलेक्ट करके पूरे में अप्लाई करना है। अब सपोज कीजिए कि मुझे सिर्फ अंदर ही जो कर्व है, कर्व में ही अलग मटेरियल डालना है, तो मैं कैसे डालूंगा? यहां से मैं कलर को पिक करता हूँ। अब ये एक एक डालनी पड़ेगी मुझे, देखिए एक एक पूरे में आएगा ही नहीं। उसका जो ऑप्शन होता है, इसको स्मूथ इसलिए किया जाता है, एक साथ आप पूरे मटेरियल को डाल सकते हैं। देखो कैसे होगा, पूरे को सिलेक्ट किया मैंने, यहां आपका एंटिटी इन्फो है, जो ये एंटिटी इन्फो, इसमें मैं डायरेक्ट स्लाइड करते हुए जाऊंगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मुझे ये देखिए सॉफ्ट एंड एजेस का ऑप्शन मिलेगा। ये आपको हो सकता है बंद मिले, ड्रॉप डाउन करेंगे आप तो ये सॉफ्ट एंड एजेस जो है हमारा, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम सॉफ्ट एंड एजेस के थ्रू इसको सही करेंगे। देखो यहाँ पे मिल गया सॉफ्ट एंड एजेस। अब मैंने यहाँ पे सॉफ्ट एंड कोप्लानर, स्मूथ, नॉर्मल, ये सारा कुछ रहता है, ये तो हालांकि चेक मार्क। अब यहाँ पे सॉफ्ट एंड कॉपलाइनर लिखा हुआ, ये मैंने सॉफ्ट एंड कॉपलाइनर किया और ये क्लिक किया, इसको मैं वापस अपनी जगह पे कर दूंगा। यहाँ आया मैं, अब इस पर मुझे मटेरियल डालना है, मैंने कलर को पिक किया, एक ही बार में मैंने पूरा मटेरियल अप्लाई कर लिया। अब और शेप्स देख लेते हैं, है ना, और अलग तरीके का, कर्व बनाना हो आपको, सर्कल बनाना हो, कुछ भी बनाना हो। अब यहाँ पर मैं सर्कल लेता हूँ, ये मैंने सर्कल लिया, अब इससे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, ये मैंने सर्कल की लाइन ड्रॉ की, ये क्लिक किया लाइन को, ये हमें पाथ पहले से देना पड़ेगा, फॉलो मी पे क्लिक करूंगा, ये फॉलो मी, ये देखो कितना इजी और कितना बढ़िया तरीके से बनाया है, ये फॉलो मी कमांड का हमारा यूज है। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और जो इस वाला एलिवेशन को आप देख रहे हैं, ये हमने एक्सटीरियर, हमारा बहुत पुराना प्रोजेक्ट था ये, काफी पहले किया हुआ है। सो इसकी जो मोल्डिंग्स हैं वो हमने बना रखी हैं। अब जो मैं इसका रेंडर का ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ, बिकॉज क्लासिक एलिवेशन का रेंडर जो है उसमें मजा आता है, तो उसका वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि हम उसका वीडियो डालें। सो अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। थैंक यू।